जी तो अस्सलाम वालेकुम, बेनी न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सरिश खान। तो आज हम लिबर्टी में मौजूद हैं और आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमने आवाम से ये पूछना है कि जब उनकी पहली ईदी आई थी तो उनको ईदी में ससुराल से क्या आया था और कितनी ईदियाँ उन लोगों ने इन्जॉय की हैं। तो आए उनसे पूछते हैं कि कब तक उनकी इंगेजमेंट चली, 2 साल चली, 3 साल चली, कितनी ईदियाँ उन लोगों ने ली हैं और इन्जॉय की हैं। आए लोगों से पूछते हैं उनके व्यूज़ इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? माय नेम इज मिसेस गुलजार। मिसेस गुलजार, ओके। तो मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर आई हैं, ईद की शॉपिंग कर रही हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपकी इंगेजमेंट हुई थी, आपका रिश्ता पक्का हुआ था, तो मुझे ये बताएं कि आपको ईदी क्या आई थी ससुराल की तरफ से? ससुराल से यूजुअली जो आता है उसमें जोड़ा, मेहंदी, चूड़ियाँ और कैश। ईदी कैश में? कैश भी आया था। तो ये बताएं, तो मुझे ये बताएं कि आप आजकल अगर आती है तो आप, अगर हम पुरानी रवैया देखें तो चीनी भी आती होती थी। हाँ, चीनी भी आती थी, सेम उसी तरह से है, लेकिन अब थोड़ा सा वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। अब ये होता है कि जैसे एंगेजमेंट हो जाती है तो जाकर कपल खुद ही शॉपिंग कर लेते हैं अपनी, और पेरेंट्स को बताते हैं कि हमने ये कुछ ले लिया और शेयर कर लिया। तो आपकी बेटी में से कोई है ऐसा जिनकी आपने की हो एंगेजमेंट या शादी, ऐसे कोई सीन है? माई ऑल किड्स आर मैरिड, और लेकिन मैंने सबको पुरानी वैल्यूज़ के मुताबिक जो है ना उसी तरह से किया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और लोगों से भी पूछेंगे कि उनको क्या ईदी आई थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है मुना। जी तो मैं मुना, मुझे ये बताएं कि ससुराल से जब पहली ईदी आई थी, आपको पता है ईद चल रही है तो हमने ये टॉपिक लिया है कि जो ससुराल से आपको पहली ईदी आई थी वो क्या आई थी? मेरे ससुराल से मुझे गोल्ड की चेन आई थी गिफ्ट में। तो ड्रेस वगैरह नहीं आया था? ड्रेस वगैरह नहीं आया था, फर्स्ट ईद पे गोल्ड की चेन आई थी। तो कितनी ईदियाँ आपने ली हैं? मैंने 2 साल हमारी इंगेजमेंट रही है तो 2 साल ईदियाँ आती रही है। 2 साल मतलब सही इंजॉयमेंट होती रही है? हाँ बिल्कुल। तो 2 साल में आपको पहली बार चेन आई, नेक्स्ट टाइम क्या आया, फिर क्या आया? नेक्स्ट टाइम ड्रेस आया, और 2 ईदियाँ आती हैं क्योंकि साल में, और उसे नेक्स्ट में आई थिंक कपड़े ही थे। मतलब कि सही इनका एक सीन बना हुआ था कि यहाँ से आएंगे कपड़े और ईदी आएगी। बिल्कुल। तो आप क्या समझती हैं कि आजकल के जो लोग हैं वो ईदी, हमारे अगर हम रवायती बात करें तो हमारे रवायत में तो ये था, पिछले जो है वो हमारे पेरेंट्स की बात करें तो वो चीनी भी आती थी, पतासे भी आते थे, ऐसा कुछ आपको आया? नहीं, वो मतलब हमारी मदर्स के दौर में था, ऐसा कुछ हमने देखा ज़रूर है लेकिन हमारे दौर में ऐसा कुछ नहीं है। जी थैंक यू सो मच। और आप इधर तैयार शहर होकर लिबर्टी में शॉपिंग करने आई हैं? हाँ जी बिल्कुल, बच्चों के साथ इन्जॉयमेंट करने आए हैं। इन्जॉयमेंट? जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, माशाल्लाह बहुत क्यूट, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, थैंक यू जी। और ये आई थी अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने, इनसे हमने की बात इनके ससुराल से आई पहली ईदी के बारे में। आए और लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको पहली ईदी पर क्या आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महनूर। अच्छा तो महनूर लिबर्टी में शॉपिंग करने आई? हाँ जी, और मेहंदी लगवाने आई हूँ और इन्जॉयमेंट वगैरह करने के लिए। अच्छा तो मेहंदी तो अभी तक आपने लगवाई नहीं? अभी अभी आए हैं हम, अभी तो अब बस अभी शॉपिंग करेंगे थोड़ी बहुत, उसके बाद। तो क्या करती हूँ? मैं स्टडी कर रही हूँ। स्टडी में क्या करी हो? स्टडी में अभी मैंने रिसेंटली मैट्रिक की है और अब कॉलेज की तरफ से। अच्छा तो मैट्रिक की है और कॉलेज, और ये मेहंदी लगवाने आई हैं और अभी अभी इन्होंने कहा कि आई हैं, तो क्या सोचे, चारों हाथों पर लगवाओगी या सिर्फ एक हाथ? चारों हाथों पे लगवा। अच्छा इन फ्यूचर शादी हो जाती है तो क्या करोगे, क्या क्या समझती हो ईदी में क्या क्या लूँगी मैं? अभी शादी इतनी दूर है अभी। फिर भी थोड़ा सा माइंड में होता है शादी होगी तो उनसे कहूँगी ये लेके दें, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, चूड़ियाँ वगैरह, और बस छोटी छोटी ख्वाहिशात होती है बस वही, ज़्यादा मेरी कोई इतनी वो नहीं है। बस चूड़ियाँ? क्यों, सूट नहीं पहना? हाँ सूट भी, सूट भी, सूट ज़्यादा ज़रूरी है। सूट और चूड़ियाँ ये लेंगी तब जब इनकी शादी या इंगेजमेंट हो जाएगी तब। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मानूर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जैकलीन। ओके जैकलीन, तो मुझे ये बताएं लिबर्टी में क्या करने आई? हम अभी तो फिलहाल चाची के साथ स्टॉल लगाने आए हैं। अच्छा कौन सा स्टॉल? मेहंदी का। मेहंदी का, तो फ़ायदा उठाया जाए। हाँ जी चलें जी, आपके स्टॉल से हम भी मेहंदी लगवाते हैं। मुझे ये बताएं कि आप क्या करती हैं? मैं अभी तो स्टडी करती हूँ। स्टडी कर, वैसे भी छोटू से लग रहे हो, इतने क्यूट से, प्यारे से। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप चची के साथ आए हो मेहंदी लगवाने, तो आपने खुद क्यों नहीं मेहंदी लगवाई हुई? वैसे क्यों, ईद है, आप थोड़ा सा मतलब सोचा होगा कि मेहंदी लगवाऊंगी या कुछ ऐसा सीन होगा?
नहीं मेहंदी मुझे पसंद नहीं, मेहंदी नहीं है। अच्छा तो बहुत अच्छा लगा जैकलीन, जैकलीन नाम से बात करके, बहुत ही क्यूट हैं, बहुत ही प्यारी हैं। आए और लोगों से पूछते हैं मेहंदी चूड़ियाँ उन्होंने खरीदी है नहीं खरीदी, या ईदी ससुराल से आई है पहले या नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपका नाम? जुवेरिया। अच्छा तो जुवेरिया मुझे ये बताओ लिबर्टी में शॉपिंग करने आई थी, कर ली है? नहीं हम वैसे घूमने आए थे। तो शॉपिंग नहीं की? नहीं मम्मा चाचू के साथ गई थी, मम्मा ने कहा आओ मैं तुम लोगों को घुमा देता हूँ लिबर्टी। अच्छा तो शॉपिंग मम्मा ने कर ली है और यहाँ पर जो है वो बाबा के साथ घूमने आई है। यस। अच्छा तो बाबा के साथ घूमने आई हैं, क्या सोच के आई हैं जब आप यहाँ पर आई हैं, तो क्या सोचे है? कुछ घूमे फिरेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, सब खा ही रहे हो? हम तो वैसे सोच के निकले थे हम आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन बाबा का ऐसा मूड बन गया कि उन्होंने अभी निमको और कपकेक खिला दिया। अच्छा तो ये साथ जो बैठी हुए ये कौन है? ये मेरी बहन दूसरी कश्यप और ये गानिया। अच्छा कश्यप और गानिया। गानिया तो ईद पर जो मम्मा कपड़े लाई हैं वो किस कलर की लाई हैं? पहले दिन तो हमने लहंगा पहनना है। अच्छा माशाल्लाह लहंगा पहनोगे जी। और सेकंड डे गरारा। गरारा, थर्ड डे का भी कुछ सोचा हुआ है? हाँ जी फ्रॉक। फ्रॉक, पहले दिन लहंगा, दूसरे दिन गरारा और थर्ड डे पे फ्रॉक, माशाल्लाह कितने प्यारे लगोगे आप तैयार होके जी। अच्छा पढ़ते भी हो जी? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं फोर्थ में हूँ। अच्छा ये फोर्थ में है माशाल्लाह। आपका नाम जो भूल गए? जुवेरिया। जुवेरिया, आपको पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? जुवेरिया है क्या? हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम जुवेरिया है, मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगी। आप भी इसकी तरह बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से, आपको पता है। चलिए जी, इन्होंने अपना बताया कि ये पहले दिन पर पहनेंगी लहंगा, दूसरे दिन पर गरारा और तीसरे दिन ये फ्रॉक पहनेंगी। आए और लोगों से पूछते हैं कि वो ईद पर क्या पहनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मेरा नाम फरहत। आपका नाम? फरहत। फरहत, अच्छा फरहत, तो फरहत मुझे ये बताएं कि आप मैरिड हैं? जी मैं मैरिड हूँ। अच्छा मैरिड हैं, तो मुझे ये बताएं जब आपकी इंगेजमेंट हुई थी, हुई थी इंगेजमेंट तो हुई थी, अब तो शादी को भी इतने सालों की बेटी मेरी मेहंदी लगवा रही है उधर। अच्छा अच्छा मुझे ये बताएं, बेटा भूल गई है। नहीं ये बताएं जब इंगेजमेंट हो गई थी तो उसके बाद पहली ईदी में क्या आया था? पहली ईदी में नॉर्मली वही ईद के कपड़े थे, दो सूट फैंसी, दो नॉर्मल थे और साथ में शूज़ थे, चूड़ियाँ, पैसे, तो ये सब चीज़ें। कब तक इंगेजमेंट चली? आई थिंक सो 7-8 मंथ, क्योंकि शायद उनको डर था मैं मुकर ना जाऊँ। जी इन्होंने बताया उनको डर था। अच्छा तो आपने कहा कि आप थोड़ा बात करना चाहती हैं। जी वो ये कि आज हमने वैसे तो मोस्टली लोग आते हैं चांद रात को, चांद रात तो कल बनती है, आज हमें इसलिए आना पड़ा है कि कल शैतान ने आज़ाद हो जाना है। शैतान हमारा आजकल है इमरान खान, ठीक है, और उसने जो है, सॉरी ये सियासी बातें होंगी, कोई बात नहीं अब्बू है। इमरान खान ठीक है, उसने कल एहतजाज की कॉल दी है, उसको इतनी शर्म नहीं है कि मदीना मुनव्वरा में गंद फैलाने के बाद अब उसने पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे दी है। रमज़ान ख़त्म हो रहा है, मतलब कुछ वो अपनी खुशियां ना मनाओ, गंद बको, एहतजाज करो, वही कुछ जो वो शुरू से करता आ रहा है, मतलब वही कुछ, पहले रोज़े भी उसने वही बुलाया, रोज़ा रख के आ जाओ, बाहर आ जाओ, ठीक है। अभी फिर चांद रात को भी वो यही हरकतें कर रहे हैं, तो हमने कहा कल तो वो गंद फैलाएगा इसलिए आज ही अपने काम निपटा लें। दैट्स व्हाई काम निपटा लें। तो जी ये नज़र आ रहा है कि ये पीटीआई के बहुत खिलाफ हैं। खिलाफ मुझे नहीं पता कि वो कौन से छोटे जहन के लोग हैं जिनको अभी तक समझ ही नहीं आई इसकी कि मतलब वो क्या कितना बेड़ा गर्क करके चला गया। वो सिर्फ दो काम कर सकता है, एक चंदा मांग सकता है, एक अच्छी तकरीर करके वो लोगों को जोश दिला सकता है। और सिर्फ आप देख लें कि जो टीनेजर लोग हैं या कोई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के वो बच्चे हैं वही सिर्फ उसके साथ है, या वो मुजरे करवा सकते हैं अपने उसमें, ठीक है ना, रमज़ान में भी उसने मुजरे करवाए हैं, तो जो समझदार बंदा होगा ना वो कभी भी उसके साथ नहीं होगा। तो ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था सियासी लिहाज से। और ईद का तो आपने बता दिया कि आपको जो 7-8 मंथ रही और उनको जो डर था, तो बहुत अच्छा लगा मिस फरहत आपसे बात करके। और आपने ईद की शॉपिंग वगैरह कर ली है? मेहंदी शॉपिंग कर ली है, मेहंदी चूड़ियाँ वगैरह रह गई थी, हमारा मूड था कि कल चांद रात को आने का, लेकिन सिर्फ इसी वजह से आ जाए, ये एक वजह से जो है ये आ जाई हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आपकी मेहंदी बहुत प्यारी लग रही है, आप खुद बहुत प्यारी लग रही है, थैंक यू सर जी। तो ये थे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू ईद को लेकर, कि लोगों की पहली ईदी कैसे आई ससुराल की तरफ से और शादी के बाद पहली ईदी मायके की तरफ से कैसे आई। तो हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और फ्रेंड्स के साथ शेयर तो लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपने प्यारों का रखें ख्याल, अल्लाह निगहबान।